भारत ने हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। जी हाँ, ये आज का भारत है जो मोदी सरकार के नेतृत्व में सबके अनुमानों को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% की जीडीपी दर से ही स्टेज तैयार हो गया था और अब दूसरे क्वार्टर की जीडीपी रेट भी आ गई है जो सारे अनुमानों को पीछे छोड़कर 7.6% रही है। जीडीपी एक तरह से मीटर है किसी देश की इकोनॉमी की हेल्थ चेक करने का। जितनी ज्यादा जीडीपी उतनी सेहतमंद इकोनॉमी। 7.6% जीडीपी का मतलब है लोगों का काम धंधा अच्छा चल रहा है, लोगों की जेब में पैसा है और इसका मतलब है ज्यादा काम और ज्यादा रोजगार। भारत की इकोनॉमी सिर्फ घरेलू स्तर पर ही ब्लूम नहीं कर रही, अगर हम ग्लोबल प्रोस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया की जीडीपी सबसे ज्यादा रही है। जी हाँ, चाइना से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और लचीली है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। और ये भी तब है जब आधी दुनिया युद्ध की त्रासदी झेल रही है। आइए अब और भी कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़ों पर नजर डालते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन जो कि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, फर्स्ट क्वार्टर में 59.7% था और सेकेंड क्वार्टर में बढ़कर 61% हो गया। मतलब प्राइवेट कंजम्पशन और भी मजबूत हुआ है। फिर आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। ये कैपिटल फॉर्मेशन फर्स्ट क्वार्टर में 29.3% था जो कि अब सेकेंड क्वार्टर में 30% हो गया है, यानी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की। इन दोनों के आंकड़े भी पहले से ज्यादा है, जिसका मतलब है कि इंटरनेशनल जो व्यापार है उसमें भी भारत की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। अब आते हैं अलग अलग सेक्टर्स पर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट जो पूरे उद्योग के राजस्व को दर्शाता है, वही दूसरे क्वार्टर में 13.9% रहा जो कि फर्स्ट क्वार्टर में 4.7% से काफी ज्यादा है। मतलब रियल स्टेट में भी विकास बढ़िया है। अगर अपना फोकस अब हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर पर केंद्रित करें तो अक्टूबर 2023 में आर्थिक गतिविधियों की गति फाइनेंशियल ईयर 2024 की थर्ड क्वार्टर में भी जारी है। विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में विकास अच्छा हो रहा है। ये पूरे आंकड़े क्या दिखाते हैं? किसी देश की जीडीपी तब बढ़ती है जब वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है जो घरेलू उत्पादक विदेशी देशों को बेचते हैं, वो घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से ज्यादा होता है। जी हाँ, ये मुमकिन हुआ है पिछले 9 सालों में जब मोदी सरकार ने अपनी कल्पना को गढ़ा है, जिससे यह हकीकत बना है और वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहरा रहा है। जय हिंद।